वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वेक्टर फॉर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो वी हैव द टू मासेस हैं, आर डिस्टेंस पे क्या है सिचुएटेड है, और एफ वन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एफ वन टू क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, या फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बाई वन, आर यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। ये इस टाइप का वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। नाउ व्हाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैव एफ इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर इक्वल, इन वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर कैप वन टू, ठीक है। तो आर वन टू इक्वल जी एम वन एम टू, अब मैग्नीट्यूड देखते हैं क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करता है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट फोर्स। तो आर वन टू कैप इसके इक्वलेंट हो जाएगा आर टू वन कैप, बट डायरेक्शन क्या रहेगी माइनस, ठीक है। एक चीज तो हमें ये देखना पड़ता है, दूसरी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आर सपोज करो क्या है हमारे पास आर वन टू, आर वन टू, अब आप इन प्लेस ऑफ आर की जगह आर वन टू कैप मॉड इक्वल आर टू वन पुट करो जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू कैप का होल स्क्वायर और आर कैप वन टू, क्वेश्चन नंबर फाइव। सिमिलरली एफ टू वन फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है, क्या आएगा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर और आर टू वन, नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरली फोर्स एफ टू वन फाइंड आउट करेंगे जी एम वन एम टू आर स्क्वायर आर वन टू कैप, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस भी ना लगाएंगे, ठीक है। तो एफ टू वन इक्वल माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू का होल स्क्वायर, इस आर की जगह रखेंगे, ठीक है, आर टू वन। अब आर वन टू इक्वल ये यूनिट वेक्टर क्या शो करता है डायरेक्शन को, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, इसकी प्लेस पर हम माइनस रखेंगे माइनस आर वन टू, तो माइनस माइनस प्लस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू का होल स्क्वायर आर वन टू कैप। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से ये माइनस है यहां प्लस है, इक्वल माइनस एफ टू वन, देख लिया फोर्स इक्वल एंड अपोजिट वर्क कर रहे हैं इस पर। इफ आर वन एंड आर टू आर द पोजिशन वेक्टर, आर द पोजिशन वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर डायग्राम बना लगे, सपोज ये मास है हमारे पास
इसकी डिस्टेंस ये आर वन है, पोजिशन वेक्टर या आर टू। इस पर फोर्स क्या वर्क कर रहा है, एफ वन टू और इस पर एफ टू वन। तो इन प्लेस ऑफ आर क्या पुट कर सकते हैं, आर टू वन माइनस आर वन टू। ठीक है, तो फोर्स निकालना है। F21 हमारे पास क्या है, F21 G M1 M2 R12 cap upon R12। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है, A यूनिट वेक्टर इक्वल A वेक्टर अपॉन A मॉड या a वेक्टर अपॉन a। लगा दो g m1 m2 अपॉन r12। यानी r, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर है r की जगह क्या लगाएंगे, r वेक्टर अपॉन r। अब r कितना ले लेंगे, r12 ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, लगा दो g m1 m2 upon r12 मॉड ले लो, इसका मतलब मॉड लेने को क्या आ जाएगा, q में आ जाएगा। अब बस r की जगह क्या रखना है, हमें g m1 m2 r12 r2 की जगह